तो स्वागत है आपका नई रिएक्शन वीडियो में। आज की जो रिएक्शन वीडियो होने वाली वो है मेजर मूवी का इंट्रो सीन। सबसे बड़ी बात ये कि जो मेजर मूवी आई थी आप जानते हैं किसकी ये स्टोरी है और क्या क्या उन्होंने कारनामे किए हैं, ये सब कुछ आप जानते हो। मूवी आ चुकी है, ट्रेलर आप सभी ने पसंद किया था, टीजर आप सभी ने पसंद किया था, सॉन्ग आप सभी ने पसंद किए थे। आप मूवी के ऊपर रिएक्शन लेके आए हैं, सबसे पहले इंट्रो सीन के ऊपर लेके आए हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मतलब ये चीज़ अलग है कि हम रिएक्शन दे रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा वीडियो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, हम पैसे कमाएंगे नहीं कमाएंगे, ये सब कुछ चीज़ उस चीज़ के लिए नहीं है। ये एक तरह से ट्रिब्यूट है इनके लिए और मतलब कोशिश करना कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको फिर व्यूज़ आए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखो। उसका रीज़न ये है कि आपको भी पता चले कि इनकी स्टोरी क्या थी और इनका ये हक है वास्तव में, ये चीज़ आपको इनको देनी चाहिए, ट्रिब्यूट करनी चाहिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना इस चीज़ को। ये बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है इस चीज़ से कि हम मतलब वीडियो कंटेंट हम ढूंढ रहे हैं बना रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल नहीं है। आप इसको बिल्कुल छोड़ कर चलिए इस चीज़ को, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करेंगे। ओहो क्या बात है, ओहो क्या बात है। संदीप की जिंदगी सिर्फ 26-11 के अटक नहीं है, उसकी अपनी एक जिंदगी है। बेंगलुरु माँ, संदीप तुम ठीक तो हो ना? हाय बेबी, क्या चल है? छोड़ मुझे। सिर्फ तू ही है जिसको मेरी फिक्र है। तुम ये क्यों करते हो समझ में नहीं आ रहा मुझे। अच्छा छोड़ो ना, चलो ना बाजू छोड़ो, जितना पेट्रियट है तू तो हम लोगों को भूल जाओगे, ड्यूटी के चक्कर में फैमिली को भूल जाओगे। क्या बात है यार, क्या जरूरत थी बिना परमिशन बॉर्डर क्रॉस करने की? ओहो इसलिए नाराज है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कश्मीर। ये पाकिस्तानियों ने दिन में भी पी रखी है क्या? क्या बात है, ओए हो बॉर्डर पार करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्यों गए संदीप? यू कैन नॉट गो इनटू द पीओके, ये हमारी तरफ है और हमारा ही तो है। क्या बात है, हमारा ही तो है। क्या बात है, संदीप की जिंदगी हमारी आंखों में दबी हुई है। कभी बचपन याद आता है और कभी लड़कपन। क्या बात है, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, ऐसा ही था वो, सुनता सबकी था, करता सिर्फ अपने मन की। बहुत घबरा देते हैं, संदीप की फैमिली होने का मतलब ही है परेशान रहना। पुलिस न्याय ना ललो नहीं ले। हमारे गांव में संध्या का मन ही नहीं लगता था। आपके साथ बेंगलुरु में रही तो संदीप की तरह अच्छे से पढ़ाई भी कर लेगी और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आप जेल में क्यों रहते हो? मैंने एक दीदी की गोल्ड चेन चोरी की। आपको भूख लगी थी ना?
क्या बात। किसे मेरे घर आ जा, मैं माँ को बोल दूंगा, वो आपको खाना खिला देगी। संदीप तू रह जा, अपना काम कर। मैंने बोला था ना चुपचाप बेंच पर बैठने को, समझ में नहीं आता। ओह बहुत प्यारे तरीके से स्टोरी बता रखी है, प्रेजेंटेशन काफी अच्छी है। चलो उठो, पर्स रखा है। खीर भी नहीं खाओगे? अच्छा ये बताओ, जब भी हम चाचा के घर आते हैं तब आप जेल में खेलना क्यों पसंद करते हो? मुझे यूनिफॉर्म पसंद है। ओए होए, बहुत बुरे लोग हैं, चोर डाकू वगैरह वगैरह। नहीं माँ, मैंने अंकल के आईज में देखा, वो अच्छे थे, सैड थे। क्या बात। सॉरी बेटा, मैं आप पर चिल्लाई, पता है मैं कितना डर गई थी। क्यों माँ, मैं अकेली हूँ ना, आप डरो मत। कमांडो शिवाजी नगर। बार बार क्या आइसक्रीम खिलाऊंगा। माँ का है, मम्मी का पर्स। मैं जल्दी करो ना, खत्म नहीं हो रहा, आ रहा हूँ। संजय ओ क्या बात, स्टार्टिंग से डेयरिंग। चाची बाहर कुत्ता है ना, थोड़ा इंतजार कर लेते। रहा नहीं गया पा। ओ संध्या थी इसलिए, पर वो तुमसे छोटी है। अगर वो नहीं होती तो आप होना, और अगर मैं भी नहीं होता तो आप होना। पा आए है। अप्पा चलो, ट्रेन छूटी तो नीबड़े मिस हो जाएगा। चलो चलो चलो। क्या बात है, कितना शौक था मतलब हर चीज का स्टार्टिंग से। बिल्कुल। इंडियन नेवी शुरू से इंटरेस्टेड थे। क्या बात, हाय हाय। हमें उस दिन पता नहीं था, लेकिन संदीप को अपना सच एक सोल्जर की आंखों में दिखा। Maybe only a soldier truly understands a soldier. ओए है, पता ही नहीं चला यार ये 8 मिनट कैसे निकले। और वास्तव में बायोग्राफी तो खूब आई है, लेकिन इसकी जो प्रेजेंटेशन थी ना वो मतलब अलग सी थी। मतलब बचपन से सारी स्टोरी बताई गई है कि बचपन से किस तरह से बड़े हुए, बाद में क्या क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि सब सीन इमोशनल है थोड़ा, मतलब देखते हुए भी फील हो रहा है यार उनकी कहानी को। हम सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, हम जी रहे हैं। मतलब कि किस तरह से उन्होंने क्या किया होगा, किस तरह से क्या हुआ होगा, सब कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें रियल स्टोरी पे ये बेस्ड। आपको पता ही है कि ये कितनी पावरफुल होगी, और पावरफुल है ये वास्तव में। आप जानते हैं इनको, इनकी शख्सियत को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो कैसा लगा? मतलब काफी अच्छा था हमारी तरफ से तो काफी, मतलब अगर 100 में से नंबर देने होते इसको तो मतलब शायद देखने में इतना खो गए थे कि हमें एक्सप्रेशन की भी याद नहीं कि चेहरे पे क्या था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रिएक्शन का तो पता ही नहीं चल रहा कि रिएक्शन हम क्या दे रहे हैं। और वास्तव में बहुत प्यारी मूवी है, और भी अगर आपको पसंद आएगा तो इससे आगे से आगे इसके वीडियो लाते रहेंगे हम, तो जरूर बताइएगा ये सीन मूवी सीन आपको कैसा लगा, जरूर बताना, कमेंट जरूर करना इस बार, और शेयर इसको ज्यादा से ज्यादा करना ताकि हो सके ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनकी स्टोरी के बारे में पता चले, तो ये जरूर करना। तो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।